हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का पापड़, क्योंकि कच्चे आम इस टाइम डेली सीजन है जब बहुत ज्यादा आता है। और आपने देखा होगा कि इस टाइम बहुत ही सस्ता आ रहा है, लगभग 10 रुपए किलो आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास आम, ये कितना बड़ा बड़ा अच्छा आम आ रहा है इस टाइम, ये अमिया भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर तीन का बना, ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से धुली हुई हैं। सबसे पहले हम इनका छिलका उतार के इनका अच्छे से गूदा निकालते हैं। इसको हम अच्छे से पहले छील कर और इनकी टोपी निकाल ली है और इसका हम गूदा निकाल लेंगे। ये तीन अमियां लगभग 800-900 ग्राम है। तो हमने अच्छे से इनका पूरा का पूरा छिलका, जो गुठली है वो अलग कर लिया, गूदा अलग कर लिया। और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी पानी और कुकर में इसमें हम 2 से 3 सीटी के करीब ले लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा ऐसा नहीं रखना है कि बहुत टाइम तक वेट करना है, इसलिए हम इसमें 2 से 3 सीटियाँ ले रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सीटी आ गई है और अब इसके आगे का प्रोसेस करना है, तो इसको हम निकाल देंगे। थोड़ा सा भुटा भी आ गया है, इसको निकाल देंगे। और आपको जैसे कि पता ही कि मैं हमेशा जो भी चीज बनाती हूँ कोशिश करती हूँ फटाफट से बने और थोड़ा इजी प्रोसेस से बन जाए, तो वैसे ही कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी सारी सीटी निकाल दी हमने और आप देख सकते हैं अमिया एकदम मुलायम और सॉफ्ट हो गई है। इसको आप चाहें तो किसी फोक से भी इस तरह से दबा कर इसका गूदा मिक्स कर सकते हैं, या फिर आपको फटाफट करना है काम तो आप एक ब्लेंडर लीजिए और इसमें चला लीजिए, 1 सेकंड में हो जाएगा फिर आपका काम। और जो गूदा है उसको मैंने इसमें वापस डाल दिया है। इस टाइम मैंने यहाँ पर लिया एक छोटी सी भगोनी जिसे मैं गैस पर डायरेक्ट चढ़ा पाऊँ, और एक स्टील की छन्नी। तो इसमें ये सारा गूदा डालकर हम बिल्कुल अच्छे से छानकर इसका पल्प निकाल लेंगे। इसमें जो भी मोटा रेशा होगा वो ऊपर रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आम पापड़ एकदम स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो ये हमारा निकल कर तैयार हो गया है सारा का सारा पल्प, और ये छिलका जो निकला है इसको हम छन्नी में छोड़ देंगे। आप चाहें तो इस छिलके से आप पना बना सकते हैं, या फिर पड़ाके का पानी तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और मीठी चाशनी, सॉरी मीठी लौंची तैयार हो जाएगी आपकी, तो आप इससे भी यूज़ में ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है 1 छोटी कटोरी चीनी और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी गुड़, क्योंकि गुड़ से इसमें बहुत अच्छा कलर आता है और गुड़ का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है चीनी से, तो वो भी इसमें आता है। अब इसको हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। ये हमारा खट्टा वाला आम पापड़ है। आप चाहें तो गुड़ के छोटे छोटे पीस करके भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको गुड़ को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा इसमें मैश करने के लिए। इसमें ये देखिए इस तरह से हल्की हल्की खदक आने लगती है और कलर भी कुछ कुछ चेंज होने लगता है इसका। उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया है और इसमें हम डाल रहे हैं काला नमक, हल्का सा गरम मसाला, हल्का सा चाट मसाला, और इसको हमने मिक्स कर लिया है। हमने इसमें थोड़ा सा काला नमक ज़्यादा डाला था क्योंकि हमने इसमें सफ़ेद नमक नहीं डाला है, आप चाहिए तो थोड़ा सफ़ेद भी डाल सकते हैं। और ये है भुना जीरा, यहाँ पर मैंने एक पॉलीथिन ले ली है जहाँ पर हमें इसको सुखाना है, आप चाहे तो किसी प्लेट या ट्रे में सुखा सकते हैं। आपको उस पर पहले अच्छे से ऑयल लगा लेना है, ऑयल या घी किसी से भी, उसको अच्छे से ग्रीस कर लें जिससे हमारा आम पापड़ उस पर चिपके नहीं। अब हम इसको जितना पतला चाहें उतना पतला फैला सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी फैला सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको एक रात के लिए छोड़ दिया था पड़ने के लिए, ऐसे ही पंखे में छोड़ दिया था मैंने, तो कोई धूप वगैरह नहीं लगाई बिकॉज धूप में थोड़ी सी धूल मिट्टी लग जाती है,
तो मैंने तो ऐसे ही नीचे पंखे के नीचे रख दिया था और ये अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। बस इसकी पतली पतली इस तरह से हम लेयर्स कट करेंगे और इसको इस तरह से रैप करते जाएंगे। आप चाहें तो इसको मोटा या पतला भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम एक लेयर पर दूसरी लेयर रख के भी इसकी रैप को मोटा कर सकते हैं, या आप चौड़ी चौड़ी रैप काट लीजिए और उसके बाद में छोटे कट लगा लीजिए इस तरह से। और हमारा खट्टा मीठा पापड़ एकदम रेडी है। आम पापड़ बन गया है, कौन खाएगा आम पापड़? अच्छा एक को मिलेगा, कौन खाएगा जल्दी बताओ? मैं। अच्छा चलो दोनों के लिए। थैंक यू, बोलो जल्दी से। थैंक यू। कैसा है? अच्छा है। अच्छा खाओ तो तभी तो बताओ कि कैसा है।